कौन बोला? पापा को चोर कौन बोला? अबे मम्मी से बात कर, मर जाए तो मुझसे बात कर। तुझसे बात करूं मैं? हाँ तुझसे बात करूं मैं? हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, हमारे पैसे वापस दो, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, वापस चाहिए हमारे पैसे, हमारे पैसे वापस दो, वापस दो। ये तो हुआ ससुराल, अब मायके की बारी है, है ना? हाँ जी बिल्कुल सही बोला पप्पी जी। अंदर चल, अंदर चल। चलो ये लवली गाड़ी चला। शांत हो जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आज ही मिलेगा, बस प्लीज अभी शांत हो जाइए। पल्लवी ऐसे कैसे पैसे मिल जाएंगे वापस? प्लीज समझने की कोशिश करिए बात को। अरे ये रवि, पल्लवी बिल्कुल ठीक कह रही है। देख हमारी पुरानी दुकान है, पुराने ग्राहक है, कुछ रेपुटेशन है हमारी, पैसे वापस करने पड़ेंगे, हम वेंडर से बाद में पैसे वापस ले लेंगे। ताऊ जी लेकिन रवि, पल्लवी का कहना हमें मानना पड़ेगा, वो सही कह रही है, हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम देंगे, शांत रहे। ठीक है आप दोनों पल्लवी की बात सुनिए, सारा बिजनेस वही बताएगी आपको, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। रवि रवि, हमें प्लीज शाम तक का टाइम दीजिए, अगर हमसे गलती हुई है तो हम आपका सारा पैसा वापस लौटा देंगे, प्लीज भरोसा रखिए हम पे। हम अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं आपको अपने घर का एड्रेस देती हूँ, आप हमारे घर से आके ले लीजिएगा अगर हमने धोखा दिया तो, प्लीज इतना तो भरोसा रखिए। प्लीज चलो चलो। जयदेव जी आ गए आप, आप ही का इंतजार कर रहे थे आप। नमस्ते जी। नमस्ते। बस हमारा नंबर अभी आता ही होगा, मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए, आप एक बार चेक कर सकते हैं चाहे तो। ओ यार अमित, फॉरेन ना अंकल जी से रजिस्ट्रेशन करवा ले, फिर उन्हें बहुत चप्पल घिसानी है। अरे वो कहते ना, क्या लाए थे तुम जो तुमने खो दिया, जो लिया यही लिया, जो दिया यही दिया, चाहिए प्लॉट हो चाहिए पैसा, जो अंकल जी लाएंगे फर्जी रजिस्ट्री से, ना ये प्लॉट हमारा ना प्लॉट जयदेव अंकल जी का। ओए लवली। यस बॉस। ओए असली बोर्ड लगाओ यार, ओए बोर्ड निकालो से। चलो चलो आइए। आ जमीन पप्पी मेरा एंड सन्स की है। अमित और सुनो, ऐ जमीन वास्तव में दिल्ली सरकार के जल जल विद्युत विभाग की है। ओए अमित, अब तक तो रजिस्ट्री होगी होगी ना, और जैसे ही सारा माल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ना मेरे पास, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या घोटाला हुआ है। जयदेव जी आपने सब कुछ बहुत इजी कर दिया, हमें जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू कहे जा रहे हो, ये तो मेरा काम है। हाँ बस आप खुश रहे, आबाद रहे, बहुत सारे पैसे कमाए, कामयाब रहे, ये मेरी दुआएं आपके लिए।
और देखना भगवान पर भरोसा रख, आपकी बेटी इस प्रॉपर्टी के साथ बहुत खुश रहेगी। भरोसे पे ही तो प्लॉट लिया है आपसे। जी ओके जयदेव जी, हम चलते हैं। चलिए नमस्ते। नमस्ते। भगवान भी अपने दूत भेजते रहते हैं मदद करने के लिए, जैसे उन्होंने पप्पी मेहरा को भेजा मेरा भला करने के लिए। पल्लवी जी, पप्पी मेहरा जो है ना, पप्पी मेहरा शैतान है, शैतान। बचा सकती हो तो अपने बाप को बचा ला। तन्वी, तुम्हारे पास वो जो हैंड फैन है ना, जरा मुझे लाके देना। मैंने हेयर कलर लगाया है ना, एक बार ही थोड़ा सूख जाए बाल, उसके बाद धोने जाऊंगी। जी मम्मी जी। ये लीजिए। अच्छा सुनो बेटा, मुझे एक कप चाय लाके दो प्लीज। मैं ऐसे तो हेयर वॉश नहीं कर सकती हूँ, ठंड लग जाएगी ना। जी मम्मी जी, अभी लाई। माँ, जानवी दिखाई नहीं दे रही है, आपको पता है वो कहाँ है? क्यों, कुछ काम है तुझे? अब वो एक्चुअली मैंने उसके जाने की टिकट्स करवा ली हैं, तो उसे बताना था। उसके कमरे में जाके देखना, वहीं होगी। राइट। मेरी रिटर्न टिकट्स? ये टिकट्स तो कैंसिल होके रहेंगी। जानवी, जानवी, राकेश ये आपके लिए चाय, जानवी के लिए भी है, कहाँ है वो? पता नहीं। जानवी, राकेश, जानवी, राकेश, जानवी, आई ओके? जानवी संभालो। राकेश, क्या हो गया तुम्हें? राकेश, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैं? ये सब क्या हो रहा है? संभाल के आ जाओ। क्या हुआ जानवी? Are you okay? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है और चक्कर आ रहे हैं। पानी ये लो। पता नहीं राकेश, हमें ना जल्दी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, हेल्प मी फाइन। वो मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज्यादा एग्जर्ट कर लिया है, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली जानवी, मैंने तुम्हारे जाने की रिटर्न टिकट बुक कराई थी, मैं उसे पोस्टपोन करवा देता हूँ। तनु, जानवी का ख्याल रखो। मैं राकेश के सामने बोलना नहीं चाहती थी। आई थिंक इट्स अ काइनेटिक इशू। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आज तो मैंने अपने जाने का प्लान कैंसिल करवा दिया, अगर मुझे यहाँ परमानेंट रहना है तो कोई परमानेंट बहाना ढूंढना पड़ेगा। 9000 की 5 साड़ी, 3000 की 1। कितना वापस करना है? करीब 10 लाख। 10 लाख? ये 10 लाख हमने 2 दिन की सेल में कमाए थे।
जिसे आप लौटाने जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन होगा। तो ये ना आप लोगों को बाद में समझ आएगा। तो क्या क्या करे क्या फिर रवि, तू बता। वेंडर कहाँ है? फोन लग रहा है उसका, नहीं लग रहा। सबने ट्राई किया, किसका लगा फोन, किसी का नहीं लगा, भाग गया। अब मैं समझ सकता हूँ तू गुस्से में है, तू शांत रहे, तू समझ जाएगा। पैसे लौटाने होंगे, लौटाने होंगे। और ये बड़ी बर्फ की सिली बनकर घूम रही है ठंडी। हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें दुकान के धंधे में कूदने की? संभाल रहा था ना रवि, बता। कुसुम, शांति से, खींचतानी से नहीं। हर किसी को अपनी बात बोलने का हक है। वाह दीदी, अब ना मेरी बुद्धि थोड़ी थोड़ी खुल रही है। अब समझ में आ रहा है हवा का रुख किस तरफ है। छोड़ दिया, आपकी बहू का हाथ छोड़ दिया मैंने, मगर मैं मेरे बेटे का हाथ नहीं छोड़ सकती। उसे डूबते हुए नहीं देख सकती मैं। चखो, कहीं नहीं जाएगा पैसा। अरे मेरा बेटा अधमरा हो गया दुकान संभालते संभालते, मगर यहाँ किसी को भी उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं। मगर मैं अपने बेटे की मेहनत की कमाई ऐसे किसी को भी लूटने नहीं दूंगी। छोड़ो माँ, छोड़ो, जाने दो। यहाँ पे किसी को मेरी नहीं पड़ी है। जिसको जो करना है, जो सोच रहा है, सोचने दो। इनका बिजनेस ये खुद संभाले, ना मैं बिजनेस देखूंगा ना मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं कुछ और कर लूंगा अपने लिए। अरे चुप हो जाओ दोनों, प्लीज। कुसुम, क्या क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी, मतलब एक तो उसको समझाने की बात रही, तुम वो ये अलग ही पागल बना रही हो किसी को। रख दो नहीं। कुसुम, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ भी सोच रही हो? चलो मेरे साथ चाय पीते हैं और बैठ के बात करते हैं। ना जी ना, पता चले चाय में दूध की जगह फिनेल डाल दिया आपकी लाडली बहू ने, फिर मेरा बेटा तो बिन मां का रह जाएगा ना। देखिए, आपको आपकी बहू पर भरोसा है, मुझे कतई नहीं। महान बनने का बहुत शौक है मैं, इसे तो बने महान, मगर कंगाली में हमारा आटा क्यों गीला कर रही है? कुसुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रही हो। ये लोग हैं ना, जानते हैं क्या करना है, तो इन्हें करने देना। भाई साहब है, रवि के पापा है, रवि है, इसे दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी? मेरी बहू भी थी ना वहां, संध्या थी ना वहां, उसने कुछ बोला? एक शब्द भी मुंह से निकाला? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? जाने दो माँ, जाने दो, दे दीजिए आप इनको पैसे, लुटाने दो सारा पैसा, जो करना है करने दो। मुनाफा तो जाएगा ही और असल भी जाएगा हमारे पास से। जब इस घर में भूखे मरेंगे ना, तब समझ आएगा आप सबको। क्या हुआ दीदी, आप चुप क्यों खड़ी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ, अब तो आप अपनी बहू के साइड हो गई ना, तो अब तो इसे लाइसेंस मिल गया हर चीज में अपनी चोंच घुसाने का। अरे ऐसे तो घर में फाके पड़ जाएंगे। चाची जी, प्लीज बात समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने उस वेंडर पे ट्रस्ट किया था, पर उसने हमें सस्ते में माल बेचा और अपने झांसे में ले लिया। पर हमने किसी ने ये सोचा थोड़ी था कि वो इतनी गंदी क्वालिटी का माल हमें बेचेगा। चाची जी, अभी भी दिल के एकदम साफ है, अभी भी आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, इसलिए उस वेंडर ने इन्हें फंसाया है। मैं मानती हूँ कि अभी हम लोग कॉर्नर हो गए हैं, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, लेकिन इस नुकसान से बाहर आने के लिए हम सबको मिलके कोई प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ कोई अकेला नहीं है चाची जी, हम सब एक फैमिली है और बिजनेस है। अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा, पर हम आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे। अरे मेरी जूती भी अब तेरे साथ नहीं रहेगी। बता ना, नुकसान भरपाई कौन करेगा? हाँ, दुकान बचाई, बढ़िया ही बिजनेस पढ़ाने वाली।
दुकान के लिए खून पसीना किसने एक किया है? आकाश कभी गया है दुकान पे? मेरा पति गया है, मेरा बेटा गया है, तुम बात करती है? उसमें बस हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। क्या क्या गलत क्या कह रही है वो? थोड़ा समझो ना, जब तक नुकसान सहने का जिगरा नहीं होगा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कुसुम, चलो हम तुम्हारी बात मान भी ले, लेकिन दुकान को खड़ा करने में सुभाष और रवि का पूरा हाथ है, ऐसे ही लुट जाने दे उसे। भाई साहब, अब जब आज सबको मौका मिल रहा है बात करने का, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, दिल पे मत ले लेना। कितना समय देते हैं आप दुकान के लिए बताइए ना, कितना समय देते हैं आप दुकान के लिए? घड़ी में 12 बजे की घंटी बजने से पहले दरवाजे की घंटी बजाते हैं आप। सुबह के सिर्फ 2 घंटे देते हैं आप दुकान में, तो इसीलिए ना आपके मुंह से ये रेपुटेशन, खून पसीना जचता नहीं आप पे। कुसुम बस हो गया, तुम आधे पार कर। एक मिनट बोलने दीजिए मुझे। बस। घर का भी यही हाल है, दीदी ऑफिस जाती, आकाश ऑफिस जाता है, ये परकटी घर में पड़ी रहती है, अब पूछिए कितनी मदद करती है। घर की सारी बागडोर मैं और मेरी बहू संभालते हैं। अरे नौकरों को भी तनख्वाह मिलती है, हमें तो वो भी मिलने से नहीं। ये इनकी आंखों पर आपकी पट्टी बंधी हुई है, भाई साहब से पूछे बिना ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मेरी आंखों पे किसी की पट्टी नहीं, सब दिख रहा है मुझे। दुकान क्यों नहीं बेची आपने बताइए ना, दुकान क्यों नहीं बेची आपने? कोई एक ढंग की वजह बता दीजिए मुझे, अगर बेची होती मेरे बेटे को उसका हिस्सा मिल जाता। अब दुकान बेचिए, अब दे दीजिए मेरे बेटे को उसका हिस्सा, फिर चलाइए अपनी दुकान नुकसान में, हम क्यों भुगते? बस हो गया कुसुम। पापा, सुभाष। मम्मी जी, नहीं पल्लवी, इस वक्त नहीं। ये सब क्या हो रहा है? चाचा जी ने चाची जी को थप्पड़ मारा, वो तो ऐसे नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करते। मेरा पूरा परिवार बिखर रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। रफी भैया को वो गलत वेंडर कहां से मिल गया? समझ में नहीं आ रहा है पल्लवी को हर जगह अपनी टांग अड़ाने की जरूरत क्या होती है, ना वो दुकान जाती और नहीं भाई साहब और ये मिलके पैसे वापस करने का सोचते। मम्मी जी, आप प्लीज शांत हो जाइए ना, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाइए? कैसे शांत हो जाइए? घर के खर्चों का कुछ अता पता है? रिंकू की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, इनके पैसे कैसे देंगे हम? आकाश भी और पल्लवी से थोड़े पैसे ले लेंगे ना? मत उस चुड़ैल का मेरे सामने, ये जो रायता है ना उसी का फैलाया हुआ है। मम्मी जी, बाजा
बाहर जा। देख रवि, यही एक दुकान है जो अपनी है, इसे छोड़ना मत। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सब स्ट्रेस में टूट रहे, मैं अपने ससुराल वालों को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। ऐसे तो नहीं देख सकती मैं सब कुछ लूटते हुए। माँ तो करें क्या, कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं है हमारे पास। वो डील तो पहले ही बिगड़ चुकी है। ना ना, डील अभी तक बिगड़ी नहीं है। मैं जाऊंगी पप्पी के पास, बात करूंगी उससे। कुछ ना कुछ तो तोड़ वो जरूर निकालेगा। पैसों की मुसीबत से ना तो मैं निकालूंगी तुझे। मेरे बेटे के बिजनेस और करियर के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। जिससे भी भिड़ना है भिड़ जाऊंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। पैसों की टेंशन है ना, मैं रवि भैया और चाचा चाची को ये अकेले नहीं झेलने दूंगी। मैं भी उनका साथ दूंगी, लेकिन ये दुकान नहीं बिकेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.